गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश रीडर बुक लेसन नंबर वन प्रिंस ओमर एंड प्रिंसेस शहरजादी इन दिस चैप्टर वी शैल रीड हाउ ए प्रिंस गॉट हिज ट्रू लव इस में आप इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक राजकुमार ने अपना ट्रू लव प्राप्त किया वंस पॉन ए टाइम बहुत उसमें पहले की बात है ए किंग लिव ऑन द आईलैंड ऑफ कालेदन एक राजा कालिदान के आईलैंड पर रहता था ही सब्जेक्ट लव हिम सो मच उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी एंड हिज एनिमी इज ऑल्सो रेस्पेक्टेड हिम और उसके शत्रु भी उसका बहुत सम्मान करते थे हीज़ लाइफ वाज नाट ऑलवेज हैप्पी उसका जीवन खुश नहीं था आफ्टर ईयर्स ऑफ मैरिज शादी के कई वर्षों बाद तक ही हैड नो चिल्ड्रन उसका कोई बच्चा नहीं था हाउ एवर एट लॉन्ग लास्ट वन सप्लेंडेड स्प्रिंग मॉर्निंग ए हैंडसम बेबी बॉय वाज वाजबॉर्न एंड हिज डिलाइटेड पेरेंट्स कॉल्ड हिम ओमर कई वर्षों के पश्चात एक सप्लेंडेड शानदार सुबह एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ और उसके खुश माता पिता ने उसका नाम ओमर रखा दिस मीन्स जिसका अर्थ होता है साइनिंग लाइट द ईयर्स वेंट बाई एंड ओमर ग्रू इन टू ए फाइन लुकिंग यूथ ब्रेव इंटेलिजेंट एंड काइंड हार्टेड जैसे वर्ष बीतते गए उमर युवा बहादुर बुद्धिमान और दयालु हृदय का होता गया ऑन ही इज एटीन बर्थडे जब उसका अठारहवा जन्मदिन था द किंग्स एंड फॉर हिज सन राजा ने अपने बेटे को बुलाया ओमर नाउ दैट यू हैव कम ऑफ एज यू मस्ट फाइंड ए वाइफ अब तुम्हारी आयु हो गई है कि तुम्हें शादी एक पत्नी जो है ढूंढ लेनी चाहिए चूज वन ऑफ द मैनी प्रिंसेस यू हैव मेट एंड हुज ओनली ड्रीम ऑफ इज ऑफ मैरिंग यू बहुत से राजकुमारियों में से किसी को चूज़ करो और उन सभी का जो ड्रीम है वो तुमसे शादी करना है फादर सैड ओमर रेस्पेक्टफुली ओमर ने रेस्पेक्टफुली अपने पिता से कहा आई हैव नो इंटेंसन ऑफ़ गेटिंग मैरिड मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है आई एम स्टिल यंग मैं अभी युवा हूँ ओमर यू मस्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम उमर, उमर तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यू है यू आर ए ग्रॉन मैन नाव तुम युवा हो गए हो एंड आई वांट टू सी योवर हेयर्स और मैं तुम्हारा उत्तराधिकारी देखना चाहता हूँ आई एम सॉरी फादर मुझे माफ़ करना पिताजी आई कैन नॉट डू दैट जस्ट येट मैं यह नहीं कर सकता आई एम नॉट इन लव मैं एंड सो आई कैन नॉट गेट मैरिड मैं प्रेम नहीं करना चाहता इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता द किंग आउटेड फॉर द गार्ड्स राजा गार्ड्स पर चिल्लाया एंड ऑर्डर्ड दैम टू शट द प्रिंस इन एंड ओल्ड कास्टल इन द फॉरेस्ट और उन्हें आदेश दिया कि प्रिंस को एक जंगल में पुराने महल में बंद कर दें इन द मीन टाइम इसी बीच लवली स्वीट नेचर प्रिंसेस एक बहुत ही लवली स्वीट नेचर के प्रिंसेस थी शहज़ादी वाज ए मेडन हुज होम वाज इन चाइना जिसका घर चाइना में था वहन सी टर्न सिक्सटीन वह जब सोलह वर्ष की हुई हर फादर इंसिस्टेड हार टू मैरी तो उसके पिता ने उसे शादी करने के लिए दबाव डाला उस पर बट सहजादी वाज वेटिंग टू मीट इट ट्रू लव लेकिन शहजादी एक ट्रू लव का इंतजार कर रही थी एंड सिंस नथिंग द किंग हर फादर डिड सार टू चेंज हर माइंड ही लॉक द प्रिंसेस अप इन वन ऑफ द पैलेसेज राजा उसका माइंड चेंज करना चाहता था इसलिए उसने राजकुमारी को एक महल में बंद करवा दिया मीन टाइम ओमर स्पेंड लॉन्ली सैड डेज इन द कास्टल वेयर ही वाज हेल्ड प्रिजनर इसी समय ओमर भी उदास होकर उस महल में अपना अपने दिन व्यतीत करता था जहां उसे कैदी बना के रखा गया था हाव एवर टू इनविजिबल जीनीस अबू एंड धाबी वर एम्यूजिंग दैम सेल्फ्स अन टू द प्रिंस वहाँ पर दो अनविजिबल जीनीज थे आदर्श जीनी अबू और धाबी वे दोनों वहाँ मनोरंजन करते थे प्रिंस उनके बारे में नहीं जानता था बाई सीक्रेटली वॉचिंग हिज मोमेंट्स और वे उसके सीक्रेट गुप्त तरीके से उसके हलचल देखते थे वन डे अबू सैड टू इज़ फ्रेंड एक दिन अबू ने अपने दोस्त से कहा ओमर इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द होल वर्ल्ड कि ओमर जो है वो संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति है आज का आपका होमवर्क है आपको यहाँ तक का लेसन रीड करना है थैंक्स